मूवी स्टॉर्म वार्निंग। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम पिया और रॉब होता है। ये दोनों वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। रॉब एक लॉयर होता है और वहीं पिया वो एक आर्टिस्ट थी और इस वजह से ये दोनों ही काफी बिजी रहा करते थे। लेकिन आज उन दोनों ने अपना टाइम निकाल कर वेकेशन पर जाने का प्लान बनाया था। इसके बाद ये लोग एक डॉक यार्ड पहुँचते हैं जहाँ पर ये एक बोट को रेंट करते हैं। यहाँ रॉब बड़ी बोट की जगह एक छोटी बोट को रेंट करता है। इस पर पिया उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रॉब उससे कहता है कि छोटी बोट में ट्रेवल करना काफी आसान होगा और उन्हें मजा भी आएगा, इसीलिए उसने छोटी बोट बुक की है। इसके बाद ये दोनों उस बोट में बैठकर समुद्र की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो अपनी बोट को रोकते हैं और फिशिंग करते हैं। तभी रॉब पिया को बताता है कि वो एक केस को हार रहा है जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में हो गया था और इसीलिए वो इस वेकेशन में आया है। तभी पिया के फंदे में एक मछली फंस जाती है। ये देखकर रॉब उस मछली को निकाल कर उसे मार डालता है। ये देखकर पिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह उसे नहीं मारना चाहिए था। अब कुछ देर बाद यहाँ का वेदर चेंज होने लगता है और यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला था। ये देखकर रॉब बोट स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, पर कुछ दूर जाने पर वो दोनों खो जाती हैं क्योंकि उन्हें रास्ता याद नहीं था। अब ये दोनों किसी दूसरी जगह पर आ जाती हैं। ये देखकर पिया काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। रॉब उससे कहता है कि हम यही पास के ही आइलैंड पर रुकेंगे ताकि हम वहाँ से कोई मदद बुला सकें। फिर जब वो उस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो तभी उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर रॉब वहाँ मदद लाने के लिए जाना चाहता है पर पिया उसे रोक देती है। वो लोग देखते हैं कि उस गाड़ी के पास तीन लोग हैं जो कि किसी आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। ये देखकर पिया काफी डर जाती है और रॉब से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रॉब उसकी बात मान जाता है जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों उस घर के पास जाते हैं। अब बाहर काफी तूफान भी चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि उस घर में उन्हें कोई मदद मिल जाएगी लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर जोरों से बारिश होने लगती है जिससे इन्हें काफी ठंड लगने लगती है। इसके बाद रॉब पीछे के दरवाजे से उस घर के अंदर घुसता है और पिया को घर के अंदर लेकर जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर तीन लोगों की फोटो दिखाई देती है जो कि यहाँ पर रहते थे। ये घर काफी गंदा होता है। फिर रॉब पिया से कहता है कि वो बाहर फोन ढूंढने के लिए जा रहा है ताकि वो कॉल करके मदद बुला सके। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो एक ग्रीन रूम में पहुँचता है जहाँ पर कई सारे ड्रग्स के प्लांट होते हैं। ये देखकर रॉब समझ जाता है कि वो तीनों अभी भी यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ पर रहकर ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं जिसे देखकर पिया काफी डर जाती है। वो चिल्लाकर रॉब को आवाज लगाती है। ये सुनकर रॉब उसके पास आता है। रॉब उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर ये लोग गंदे काम करते हैं। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो तभी वो लोग उन पर गन तान देते हैं। वो उन्हें गाली देकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। रॉब उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता इसलिए हम एक रात के लिए यहाँ पर रुकना चाहते थे। वो आदमी रॉब से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया तो इस पर रॉब उसे बताता है कि वो लोग नदी में गुम हो गए थे और तभी उन्हें ये आइलैंड दिखा तो वो लोग यहाँ पर आ गए ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। रॉब उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन है तो इस पर वो आदमी हंसकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी फोन नहीं है। पिया उससे पूछती है कि क्या यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ पर हम रुक सके तो इस पर वो आदमी कहता है कि यहाँ पर बस यही एक आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ हम ही लोग रहते हैं और यहाँ पर ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रहने की जगह। फिर वो उनसे कहता है कि वो लोग एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं और अगले दिन वो उन्हें डॉक यार्ड तक छोड़ देगा। पर पिया और रॉब को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था इसीलिए ये दोनों एक रात के लिए उनके घर पर रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद ब्रैट अपने भाई जिमी से कहता है कि पॉपी को घर में लेकर आओ। दरअसल पॉपी इनका फादर होता है और उससे ये दोनों काफी डरते थे। फिर ब्रैट अपने फादर को नशे की हालत में ऊपर लेकर जाता है और पॉपी वहीं पर सो जाता है। इसके बाद ब्रैट नीचे आता है और वो दोनों भाई मिलकर पिया और रॉब की बेइज्जती करने लगते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो दोनों भीग गए होंगे जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है तो क्यों ना वो बाथरूम में चले जाएं और नहा के अपने कपड़े बदल लें। फिर ब्रैट उन्हें तौलियां देता है जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर नहाने के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो नहा रहे होते हैं तब रॉब पिया से कहता है
रहा है कि यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने देखा है कि ये लोग ड्रग्स उगाते हैं और उसे सेल करते हैं, तो क्यों ना वो यहाँ से भाग जाएं और पुलिस को इनके बारे में सब कुछ बता दें। ये सुनकर पिया उससे कहती है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है और हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि जिमी उनकी ये सब बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उन दोनों को उसके बिजनेस के बारे में पता है। ये सुनकर वो उनके कपड़े उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है ताकि वो नेक्ड होकर वहाँ पर घूमते रहें। फिर जब वो दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके कपड़े वहाँ से गायब हैं। ये देखकर रॉब और पिया काफी डर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं वो लोग उनके साथ क्या करने वाले थे। फिर वो लोग वहाँ पर पड़े पुराने कपड़े पहन लेते हैं और अंदर जाते हैं। फिर रॉब जिमी से अपने कपड़े वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जिमी उसे डांटने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी हमारे घर में हो तो सब कुछ हमारे मुताबिक ही होगा, वो जैसा कहेगा उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये सुनकर रॉब उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि जैसा वो लोग कहें हमें वैसा ही करना होगा, नहीं तो वो लोग हमें मार डालेंगे। इसके बाद जिमी पिया से उनके लिए खाना बनाने के लिए कहता है, तो पिया उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी ब्रैड रॉब की टॉवल खींच लेता है और उस पर हंसने लगता है। अब ये लोग इन्हें काफी बुली करने लगते हैं, जिससे ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी पिया फ्रेंच लैंग्वेज में अपने पति से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। जिमी फ्रेंच सुनकर कुछ नहीं समझ पाता, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि उसने ऐसा क्या कहा। रॉब उससे झूठ बोलता है कि उसने कहा कि वो खाना बनाने जा रही है। इसके बाद जिमी और ब्रैड पिया से कहते हैं कि हमें तुम्हारा शरीर देखना है तो चलो अपने कपड़े उतार दो। ये सुनकर रॉब को उन पर गुस्सा आता है, पर जिमी उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये उसका घर है और यहाँ उसके ही मुताबिक सब कुछ होगा। वो रॉब को चाकू दिखाकर मारने वाला होता है। तभी पिया उसे रोकती है और कहती है कि वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी। फिर वो उनके सामने अपना कपड़ा उतारती है और वो लोग उसके शरीर को देखने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान पिया जो खाना बना रही थी वो जल जाता है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो पिया पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से खाना मिलता है और तुमने सारा खाना जला दिया, तो अब हम लोग क्या खाएंगे। जिमी के पास एक कंगारू का बच्चा होता है। वो पिया से उसे काट कर पकाने के लिए कहता है, पर पिया कहती है कि वो किसी जानवर को नहीं मारेगी। ये सुनकर जिमी उसके पति के गले पर चाकू रख देता है और वो पिया को उसके पति को मारने की धमकी देता है, जिससे अब ना चाहते हुए उसे कंगारू के बच्चे को मारना ही पड़ता है। इससे उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो उसका मीट पकाती है और सभी लोग उसे खाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से उनके फादर की आवाज आती है। ये सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं। वो उन दोनों को एकदम शांत रहने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उनका फादर उन्हें बहुत मारेगा। फिर पिया जिमी से कहती है कि वो और उसका पति काफी थक गए हैं तो वो दोनों आराम करना चाहते हैं। इस पर वो कहते हैं कि तुम दोनों बॉन में जाकर रह सकते हो। फिर वो उन्हें बॉन में ले जाते हैं और उन्हें उनके कपड़े भी दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। फिर उसके जाने के बाद पिया और रॉब वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर वो दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे उन तीनों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी जिमी और ब्रैड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। साथ ही उनके पास एक कुत्ता भी था जो कि इंसान का मांस खाता था। वो उस मरे हुए इंसान का मांस खाने लगता है। ये देखकर रॉब और पिया काफी डर जाते हैं। इसके बाद जिमी और ब्रैड उन्हें वापस से उस बॉन में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। रॉब उनसे कहता है कि तुम लोग अब और कितना हमें परेशान करोगे, हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर ब्रैड उसके साइड में शूट कर देता है। फिर वो उसकी टांग भी तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो रॉब से कहते हैं कि अब वो उसकी वाइफ के साथ बहुत गलत करेंगे। फिर जब वो लोग पिया के साथ गलत करने जाते हैं तो तभी उनका फादर बॉन में आ जाता है, जो कि गोली की आवाज सुनकर जग गया था। पिया और रॉब को वहाँ देखकर वो अपने बेटों को बहुत मारता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तभी पिया उससे कहती है कि उसके बेटे उसका रेप करने वाले थे। पॉपी उसके पास आकर उससे कहता है कि वो लोग तुम्हारा रेप नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारा रेप करूंगा। ये सुनकर पिया रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो उनका बाप ही है। पॉपी अपने बेटों से कहता है कि वो उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वो
कल सुबह डिसाइड करेंगे कि उनके साथ क्या करना है। इसके बाद ये सभी वापस अपने घर में चले जाते हैं और उन्होंने बॉन का दरवाजा भी लॉक कर दिया होता है ताकि रॉब और पिया वहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद पिया रॉब के पास जाती है और उसकी टांग में दो लकड़ी लगा देती है ताकि वो चल सके। फिर पिया एक बोतल के ढक्कन में छेद करके उसे नुकीला बना देती है। ये देखकर रॉब उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है वो एक ट्रैप बना रही है ताकि जब कोई उसका रेप करने की कोशिश करे तो वो जख्मी हो जाए। रॉब उससे कहता है कि इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा इसलिए तुम ये मत करो, पर पिया कहती है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए बस यही एक रास्ता है। फिर वो वहाँ पर फिशिंग के सामान से कई सारे ट्रैप बना देती है जिससे अगर कोई वहाँ पर आए तो वो आसानी से उसे मार सके। इधर कुछ देर बाद पॉपी ब्रेट से कहता है कि जाओ उन पर नजर रखकर आओ कि आखिर वो दोनों वहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर ब्रेट जब वहाँ पर जाता है तो वो दोनों सोने का नाटक करने लगते हैं। ये देखकर ब्रेट उनके पास जाता है और पिया को उठाता है। उसे देखकर पिया उससे कहती है कि वो हमेशा अपने भाई की ही सुनता है बल्कि उसके अंदर एक अच्छाई छिपी हुई है जिसे वो नहीं दिखाना चाहता। ये बात ब्रेट के दिल पर लग जाती है और वो सोचता है कि पिया सही कह रही है। पिया उससे कहती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, पर ब्रेट उस पर गन तान देता है। तभी ब्रेट जब उस ट्रैप के पास आता है तो तभी रॉब उस ट्रैप को चालू कर देता है जिससे फंदे उसके चेहरे पर लग जाते हैं और उससे काफी ब्लड निकलने लगता है। पिया उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गन में गोली नहीं होती। तभी रॉब पिया को एक हथौड़ा देता है जिससे पिया ब्रेट के सर पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। इधर ब्रेट अभी तक नहीं आया था इसीलिए जिमी को उसकी चिंता होने लगती है। फिर वो बॉन के पास देखने के लिए जाता है लेकिन उसे वहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है। फिर जब वो वापस घर में आता है तो पॉपी उससे कहता है कि जाओ पिया को मेरे कमरे में भेजो क्योंकि वो अब उसके साथ कुछ करना चाहता है। इसके बाद जिमी बॉन में जाता है और पिया से कहता है कि उसका पिता उसे बुला रहा है। वो उससे पूछता है कि उसका भाई ब्रेट कहाँ है। इस पर वो दोनों उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता। इसके बाद जिमी पिया को अपने साथ ले जाता है और उसे तैयार करने लगता है। फिर वो उसे ऊपर अपने पिता के पास भेज देता है। जब पिया वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसे अपने बेड पर बैठने के लिए कहता है और उसके शरीर को छूने लगता है। फिर जब वो पिया का रेप करने जाता है तो उसका प्राइवेट पार्ट पिया के ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसके प्राइवेट पार्ट से काफी खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जिमी उसके रूम में आता है। ये देखकर पिया उसके रूम से भागने लगती है। वो पिया का पीछा करता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है पर पिया वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत बॉन में जाकर अपने पति को लेकर वहाँ से भागने लगती है। फिर जब जिमी उस बॉन में आता है तो उसे लगता है कि वो दोनों गेट के पीछे छिपे हुए हैं। जब वो उस गेट को खोलता है तो उसे वहाँ पर उसके भाई की लाश मिलती है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर उनका पीछा करने लगता है। इधर पिया और रॉब उनकी गाड़ी में पहुँचते हैं लेकिन उस गाड़ी में चाबी नहीं थी। ये देखकर पिया चाबी लेने वापस उस घर में जाती है। तभी पॉपी खुद को उस ट्रैप से छुड़ा लेता है और जख्मी हालत में पिया के पास आकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन पिया किसी तरह से चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो गाड़ी में आकर उसे स्टार्ट करने लगती है। तभी पॉपी उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगता है पर तभी उनका कुत्ता पॉपी के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता देखता है इसलिए वो उसे खाना चाहता है। तभी वो पॉपी पर अटैक कर देता है और उसका मांस खाने लगता है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो एक कार से उनका पीछा करता है जिसके पीछे बड़ा सा फैन लगा होता है पर तभी पिया गाड़ी को स्टार्ट करके जिमी को ठोक देती है जिससे जिमी उस बड़े से फैन से टकरा जाता है जिससे अब ये तीनों मारे जाते हैं। इसके बाद पिया और रॉब उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।